नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेगा स्टार सलमान खान की। पिछले 10 सालों में जितने भी फिल्में ईद पे रिलीज हुई है उन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों पिछले 10 सालों के अंदर सलमान खान की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म ईद के मौके पर कौन सी रही है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि इन फिल्मों में आपके फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2010 से। तो दोस्तों, 2010 में ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दबंग। और दोस्तों, दबंग फिल्म ने अपने पहले दिन ईद के दिन लगभग 14 करोड़ 50 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। वही दोस्तों बात करें 2011 की, तो 2011 में सलमान खान की ईद पे फिल्म आई थी बॉडीगार्ड, जिस फिल्म ने दोस्तों पहले दिन 21 करोड़ 60 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। वही बात करें दोस्तों 2012 की, तो 2012 में एक था टाइगर रिलीज हुई थी ईद के दिन, और इस फिल्म ने पहले दिन 32 करोड़ 93 लाख यानी लगभग 33 करोड़ की ओपनिंग ली थी। वही दोस्तों 2014 में सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई थी किक, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 26 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। वही बात करें 2015 की, तो 2015 में सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई थी ईद के मौके पे जिसका नाम था बजरंगी भाईजान, और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ 25 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। वही दोस्तों 2016 में रिलीज हुई थी सुल्तान, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 36 करोड़ 54 लाख रुपए कमाए थे। वही दोस्तों 2017 में रिलीज हुई थी ट्यूबलाइट, जिस फिल्म ने पहले दिन 21 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई की थी। अगर बात करें दोस्तों 2018 की, तो 2018 में रिलीज हुई थी रेस 3, जिस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ 17 लाख रुपए कमाए थे। वही अगर दोस्तों बात करें 2019 की, तो हम सब जानते हैं कि 2019 यानी कल एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है भारत, और इस फिल्म ने अब तक सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी ईद ओपनिंग ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 42 करोड़ 30 लाख रुपए की ओपनिंग ली है, और ये पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी हिट मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये पहले दिन की कमाई के मामले में सलमान खान की पिछले 10 सालों की सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, देखना बाकी ये है कि क्या ये फिल्म सलमान खान की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म टाइगर जिंदा है का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। वैसे दोस्तों, इन सभी 10 फिल्मों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।